तो दोस्तों इस समय जहां पूरा देश चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग का जश्न मना रहा है और पूरी दुनिया इस समय भारत और इसरो के इस सफल प्रयास की सराहना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि इसी बीच देश की सुरक्षा को लेकर एक नई बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ, दरअसल स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान LCA LSP-7 तेजस ने हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि तेजस ने बुधवार को गोवा तट से अस्त्र का सफल परीक्षण किया और इस संबंध में अधिकारियों ने बताया है कि करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर विमान से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। परीक्षण से संबंधित सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया और यह एक आदर्श और सटीक लॉन्च था। इस परीक्षण में तेजस ट्विन सीटर विमान से भी विमान की निगरानी की गई थी। लेकिन दोस्तों उससे पहले इन दो बड़ी खुशखबरी पर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दरअसल जो ये अस्त्र मिसाइल है ना, ये एक हवा से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिरकार ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है क्या? तो हम आपको बता दें कि जहाँ तक कि किसी फाइटर जेट के पायलट की नजर जाती है उसे बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं और ये अत्यधिक कलाबाजी वाले सुपरसोनिक हवाई लक्ष्य को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है। दरअसल इसे DRDO, RCI और अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। वहीं DRDO का घरेलू तेजस लघु विमान से स्वदेशी अस्त्र BVR परीक्षण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि इस सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि तेजस हल्के लड़ाकू विमान LCA LSP-7 ने 23 अगस्त को गोवा के तट से हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और परीक्षण के सभी उद्देश्य पूरे हुए। दरअसल यह एक आदर्श टेक्स्ट बुक लॉन्च था। परीक्षण प्रक्षेपण की निगरानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के परीक्षण निदेशक और वैज्ञानिकों के साथ साथ सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिक्स के अधिकारियों द्वारा की गई। और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस LCA मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए ADA, DRDO, सेमिलेक, DGAQA और उद्योग को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रक्षेपण से तेजस की युद्धक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और आयातित हथियारों पर निर्भरता कम होगी। दरअसल रक्षा विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष ने भी सफल प्रक्षेपण में शामिल टीमों को बधाई दी है। तो दोस्तों आपका इस अस्त्र मिसाइल के बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।